दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नवंबर से लेकर दिसंबर तक आने वाली सभी फिल्मों के बारे में। इनमें से कुछ फिल्में बहुत ही जबरदस्त होने वाली हैं और बहुत ही तगड़ा कलेक्शन करने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें पहले नंबर पर है बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर 3। टाइगर 3 एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इससे पहले एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन कर हिट रही थी। अब टाइगर 3 इस साल की बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है जिसको 300 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया है। तो अब देखते हैं टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर पाती है। फिल्म की लीड रोल में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ दिखाई देंगी और फिल्म में विलन के रोल में इमरान हाशमी नजर आने वाले हैं। और साथ ही इस फिल्म में पठान यानी शाहरुख खान का भी कैमियो होने वाला है जो टाइगर की जेल तोड़ने में मदद करेंगे। वहीं इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया है और यह फिल्म 12 नवंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। नंबर 2 पर है जिगर ठंडा डबलक्स। यह फिल्म 2014 में आई जिगर ठंडा का सीक्वल होगी जो कि एक काफी अच्छी मूवी थी जिसका बॉलीवुड में बच्चन पांडे नाम से सीक्वल बन चुका है जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहा था। इस फिल्म के लीड रोल में राघवा लॉरेंस और एस जे सूर्या जैसे कई बेहतरीन कलाकार दिखाई देंगे। वहीं इस फिल्म को कार्तिक सुब्राज के डायरेक्शन में बनाया गया है। इस फिल्म के टीजर को देखकर तो लगता है कि इस फिल्म में खतरनाक एक्शन के साथ साथ काफी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म को इसी साल दिवाली पर हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। नंबर 3 पर है इमरजेंसी। यह फिल्म एक बायोग्राफिकल पीरियड ड्रामा फिल्म है जो इंडियन इमरजेंसी पर बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म को कंगना रनौत ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है और वहीं फिल्म में कंगना रनौत इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के रोल में दिखाई देंगी और इन्हीं के साथ फिल्म में अनुपम खेर, श्रियास तलपड़े, महिमा चौधरी और मिलिंद सोमन जैसे कई बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। और इमरजेंसी फिल्म 24 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। नंबर 4 पर है बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर कपूर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल जिसमें काफी ज्यादा एक्शन और खून खराबा देखने को मिलेगा। इस फिल्म की हाइप को देखकर लगता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी तगड़ा कलेक्शन करने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगी। वहीं बॉबी देओल इस फिल्म में खतरनाक विलन के रोल में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर संदीप रेड्डीवांगा के डायरेक्शन में बनाया गया है। यह फिल्म हमें 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। पापा ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है। पापा उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। नंबर 5 पर है विक्की कौशल की आने वाली फिल्म सैम बहादुर। यह फिल्म एक बायोग्राफिकल फिल्म है जिसमें भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानिकसाया की कहानी को दिखाया जाएगा। इस फिल्म की लीड रोल में विक्की कौशल के साथ फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा दिखाई देंगी। वहीं फिल्म को मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनाया गया है। इस फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है जिसमें विक्की कौशल सैम मानिकसाया के किरदार में काफी बेहतरीन लग रहे हैं। सैम बहादुर फिल्म भी 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। अब देखते हैं यह फिल्म भी उरी की तरह धमाका कर पाती है या नहीं। सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। I beg your pardon, madam. सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। नंबर 6 पर है सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा। यह फिल्म एक एक्शन फिल्म है जिसकी स्टोरी एक एरोप्लेन हाईजेक पर बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा शेरशाह फिल्म के बाद एक बार फिर से एक सोल्जर के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के लीड रोल में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दिशा पाटनी और राशि खन्ना नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म को सागर आम्ब्रे और पुष्कर ओझा के डायरेक्शन में बनाया गया है। योद्धा फिल्म 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। नंबर 7 पर है मेरी क्रिसमस। यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको हिंदी और तमिल भाषा में एक साथ शूट किया गया है और दोनों भाषाओं में ही अलग अलग सपोर्टिंग एक्टर देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की लीड रोल में विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ दिखाई देने वाली हैं। वहीं इस फिल्म को श्रीराम राघवा के डायरेक्शन में बनाया गया है और यह फिल्म भी 8 दिसंबर को हिंदी और तमिल भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। नंबर 8 पर है ऑपरेशन वेलेंटाइन। यह फिल्म एक एरियल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें वरुण तेज और मानुषी चिल्लर लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में वरुण तेज एक एयरफोर्स पायलट के रोल में नजर आएंगे और वहीं मानुषी चिल्लर एक रडार ऑफिसर के रोल में दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को भी हिंदी और तमिल भाषा में एक साथ शूट किया गया है और यह फिल्म 8 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
नंबर 9 पर है साउथ के सुपरस्टार धनुष के करियर की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म कैप्टन मिलर। यह फिल्म एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसकी स्टोरी 1930 के दशक में सेट होगी। इस फिल्म की लीड रोल में धनुष के साथ शिवा राजकुमार, सुदीप किशन और प्रियंका अरुल मोहन के साथ कई बड़े बड़े कलाकार नजर आने वाले हैं। वहीं इस फिल्म को अरुण माठेश्वरन के डायरेक्शन में बनाया गया है। धनुष की कैप्टन मिलर फिल्म 15 दिसंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज की जाएगी। नंबर 10 पर है साउथ के सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म सालार, जिसमें एक्शन भर के देखने को मिलने वाला है। यह फिल्म साउथ की तरफ से आने वाली इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसकी हाइप को देखकर लगता है कि यह फिल्म सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में प्रभास के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और श्रुति हसन नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म को साउथ के बड़े डायरेक्टर प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनाया गया है और अभी इस फिल्म को 22 दिसंबर को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। नंबर 11 पर है बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी। यह फिल्म एक सोशल कॉमेडी फिल्म है जिसकी स्टोरी इलीगल तरीके से विदेश जाने वाले लोगों पर बेस्ड होने वाली है। इस फिल्म के लीड रोल में शाहरुख खान के साथ विक्की कौशल और तापसी पन्नू देखने को मिलेंगी और वहीं इस फिल्म को बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनाया गया है। इस फिल्म को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी के साथ यह पहली फिल्म होने वाली है और इस फिल्म को भी 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। बाकी दोस्तों ये फिल्में हैं जो नवंबर और दिसंबर में रिलीज की जाएंगी और आप लोग इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।